हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी मखाने की बहुत ही डिलीशियस सब्जी की है। चलिए तो बिना देर किए मखाने की सब्जी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मखाने की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं एक बॉल मखाने। मखानों को यदि ग्राम्स में मेज़र किया जाए तो इनका वेट लगभग 75 ग्राम है। मखानों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है और इसी तरह से बराबर मखानों को चलाते हुए हमें मखानों को क्रिस्पी होने तक ड्राई रोस्ट करना है। मखाना बहुत ही हेल्दी होता है और इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मखाने को रोस्ट करते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक मखाने को लेकर चेक कर लेते हैं। मखाने को इस तरह से क्रश करके देखेंगे। जब मखाना इस तरह से क्रश होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि मखाना अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करके मखानों को बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब मैं सेम पैन में एक बड़ा चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। बेसन को कभी भी तेज़ फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना चाहिए। तेज़ फ्लेम पर बेसन का कलर तुरंत ही चेंज हो जाएगा लेकिन बेसन का कच्चापन दूर नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमेशा ही बेसन को इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना चाहिए। करीब 2 मिनट हो चुके हैं और बेसन रोस्ट हो चुका है। बेसन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करके बेसन को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेम पैन में अब मैं एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी रोस्ट करूँगी। कसूरी मेथी को हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। कसूरी मेथी को हमें कुछ ही सेकेंड रोस्ट करना है। इसे बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट करने से कसूरी मेथी का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। 7-8 सेकेंड में हमारी कसूरी मेथी रोस्ट हो चुकी है। गैस की फ्लेम ऑफ करके कसूरी मेथी को प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब मैं इस पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जीरा ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब मैं एक छोटे साइज की फाइन चॉप की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक सॉटे करना है। प्याज को 2 मिनट तक सॉटे करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 फाइन चॉप किया हुआ हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें प्याज को ब्राउन होने तक सॉटे करना है। प्याज अब ब्राउन हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम लो करूंगी और अब मैं ऐड करूंगी 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हमें मसालों को लो फ्लेम पर कुछ देर तक भूनना है। करीब 20 सेकंड हो चुके हैं और मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज के ग्रेट किए गए टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम करेंगे क्योंकि अब हमें टमाटर के मॉइस्चर को रिड्यूस करना है। अब हमें टमाटर को मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। अब मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और मसालों को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। मसाले अब पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं ऐड करूंगी 1/4 कप ताजी फेटा हुआ दही। अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। अब हम दही को मसालों के साथ प्रॉपरली मिक्स करेंगे। दही को मसालों के साथ प्रॉपरली मिक्स करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है। अब हमें दही के मॉइस्चर को रिड्यूस करना है और मीडियम फ्लेम पर मसालों को तब तक पकाना है जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। अब मसालों से ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पानी के साथ ही हमें ऐड करना है रोस्ट किया गया बेसन। सभी इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स करने के बाद अब हमें ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पकाना है। 3 मिनट में हमारी बहुत ही बढ़िया सी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। ग्रेवी को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम ऐड करेंगे मखाने। मखाने के साथ ही मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला, 1 छोटा चम्मच नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसी स्टेज पर हम रोस्ट की गई कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार प्रॉपरली मिक्स कर देना है। इसी स्टेज पर मैं ऐड करूंगी चॉप की हुई फ्रेश धनिया पत्ती। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम सब्जी को 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। इस तरह से 2 मिनट तक कवर करके पकाने से मखानों में मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है।
दो मिनट हो चुके हैं। अब मैं ऐड करूँगी 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। ये मैंने दूध से उतारी हुई क्रीम ली है और इसे मैंने फेंट लिया है। आप चाहे तो कुकिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद सब्जी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि यदि क्रीम ऐड करने के बाद सब्जी को बहुत ज़्यादा देर तक पकाया जाएगा तो क्रीम का फैट अलग हो जाएगा, जिससे कि सब्जी में क्रीम का अच्छा टेस्ट नहीं आता है। अब मैं लो मीडियम फ्लेम पर सब्जी को सिर्फ 1.5 से 1 मिनट तक पकाऊंगी। करीब 1 मिनट हो चुका है और सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार सब्जी को थोड़ा मिक्स करेंगे। अब ये सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मिनटों में मखाना की बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।